मुनारा फैंस का दिल टूट चुका है यार। क्यों आप अपना दिल ऐसे तोड़ते रहते हो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है। कुछ भी चीज जो है दिल पे लगा लेते हो। आज प्यार का दिन है यार, प्यार बरसाओ, और चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। और इन लोगों की अपनी खुद की लाइफ होती है, कुछ चीजें होती हैं कि हाँ हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट किसी भी चीज को दिल पे लगा लेना तो यार बहुत ही सेंसिटिव दिल है आप लोगों का। प्लीज यार अपने दिल को थोड़ा स्ट्रांग जरूर बनाओ। मनारा चोपड़ा का एक इंटरव्यू आया है जो कि पहले शूट हुआ था, आज जो है टेलीकास्ट जो है वो किया गया है। मनारा को एक सवाल पूछा गया मुनव्वर से जुड़ा हुआ कि मुनव्वर फारूकी जब लाइव आए थे तब उस दौरान ही उन्होंने एनआरआई कैटेगरी में ये चीज वो कटाश शब्द जो है वो आपको बोले थे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो मनारा चोपड़ा ने बोला कि भाई मेरे लिए बिग बॉस ओवर हो चुका है, बिल्कुल ओवर हो चुका है, और मैं सब चीज़ें आगे देख रही हूँ। मेरा गाना भी आने वाला है 12 तारीख को, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, सावरे आप लोगों को पता है। तो वो गाना भी आने वाला है, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी एक मूवी भी आने वाली है, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरी मूवी में जो गाना है, मेरे प्रोडक्शन से मेरी बात हुई है कि वो हिंदी वर्जन में भी आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को मैं आगे देख रही हूँ और मुझे ये सब चीज़ें ओवर हो चुकी है। तो मुनारा फैंस का कहना यह है कि यानी कि जो हमने प्यार दिया, इतना सब चीजें किया, तो वो हमारा बस ऐसे ही चला जाएगा और बिग बॉस के बाद सब चीजें खत्म, मतलब कि एकदम खत्म, सब रिश्ते नाते जो था, जो फीलिंग्स थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। बिग बॉस खत्म तो सब खत्म भाई, बिग बॉस खत्म होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब लोग साथ में रहें। मनारा को अपना काम करना है, मुनव्वर को अपना काम करना है, ये अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों ने एक्चुअली में इनको साथ में पसंद किया, पर ऐसा थोड़ी ना है कि ये लोग साथ में चिपके हुए ही रहें, एक दूसरे के बारे में जो है बात ही करते रहें, तो वो चीज़ नहीं होती। इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ चलता है। तो यार आज प्यार का दिन है, प्यार बरसाओ, दिल मत तोड़ो ना तुड़वाओ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।